5000 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया, पूरा अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़ गया इस जगह पर। और इस जगह पर 17 कैरेट सोने से बना हुआ किला यूज किया गया था रेलवे ट्रैक को जमाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक एडवेंचर्स। माय नेम इज अभिजीत। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धा। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक नया दिन शुरू हो चुका है और हम तैयार हो गए हैं कहीं और जाने के लिए। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम आपको लेके गए थे बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स, जो है नेवाडा और यूटा के स्टेट लाइन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। लिंक इज इन द आई बटन हियर एंड आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और आज हम चले हैं यहाँ के फेमस सॉल्ट लेक सिटी। जी हाँ, हम सॉल्ट लेक सिटी में रह रहे हैं और अब हम जा रहे हैं उस बड़े से लेक पे जो मिसिसिपी रिवर के वेस्ट पे बिगेस्ट लेक कहा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स हैव सम फन एंड एडवेंचर। ये ब्यूटीफुल और मैजिकल व्यू अभी आपने जो देखा वो है हमारे होटल के रूम से। इस रूम का टूर और होटल का टूर हम लोग किसी और वीडियो में जरूर आपको दिखाएंगे। तब तक हम चलते हैं सॉल्ट लेक सिटी घूमने। लेट्स गो। तो जी, हम इस सॉल्ट लेक से बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जाने का जो एरिया है वो बहुत रूरल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं अभी। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, अब हम यहाँ से इस माउंटेन की तरफ बोर्ड लेंगे। ये जीपीएस वाली औरत हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, बात करते ही रहती है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत इलाका, लेकिन शायद कोई आता नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। सॉल्ट लेक को देखने के लिए कई सारे स्पॉट्स हैं जो सॉल्ट लेक सिटी से काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन हम आए हैं एक स्पेशल स्पॉट पे, जो स्पॉट जिसे स्पाइरल जेटी कहा जाता है। गोल्डन स्पाइक नेशनल हिस्टोरिक पार्क से ये बहुत नज़दीक है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले 10 मिनट या 15 मिनट से हमारे आसपास कोई भी कार नहीं है। हम अकेले ड्राइव कर रहे हैं। होपफुली इट्स वर्थ गोइंग देयर, बट दिस माउंटेंस आर टेलिंग अस इट्स गोइंग टू बी फैसिनेटिंग। इट्स ट्रू। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गोल्डन स्पाइक नेशनल फॉरेस्ट के विजिटर सेंटर में। यहाँ पे जाके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं स्पाइरल जेटी के बारे में। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, जैसे कि बहुत एक एंटिक मैंने रेलवे देखा है, तो देखते हैं उसका इंजन है। देखते हैं यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पाइरल जेटी के बारे में और यहाँ देखने के और क्या चीज़ें हैं। लेट्स गो इनसाइड। और हाँ, क्योंकि एक नेशनल पार्क है तो हमें हमारा एनुअल पास भी लेना है नेशनल पार्क्स का, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का पास एक्सपायर हो चुका है। तो लेट्स सी इफ वी कैन बाय दैट पास ओवर हियर एंड देन वी शो यू हाउ द प्रोसेस इज। हियर इज द विजिटर सेंटर। ये है गोल्डन स्पाइक नेशनल हिस्टोरिक पार्क, नेशनल पार्क सर्विस। Okay, can I pay with my card? Yeah, we're actually going to keep the card now. So give me just 1 second to get this rung in and then it'll ask you.
right there. Fantastic. And how far is the jetty from here? It's another 15 miles. It's all dirt road, so it's going to take about 45 minutes. Oh, okay. All right. Thank you. Thank you. और ये हमें मिल चुका है हमारा एनुअल पास फॉर द नेशनल पार्क्स। तो जी ये जो गोल्डन स्पाइक नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, इसकी खासियत ये है कि ईस्ट ऑफ अमेरिका से आने वाली ट्रेन रेलवे लाइन और वेस्ट ऑफ अमेरिका यानी पैसिफिक से आने वाली रेलवे लाइन यहाँ पे मिली थी। ये जो दो लोकोमोटिव यानी इंजन आपको दिख रहे हैं सामने, वो लोकोमोटिव वहाँ पे ज्वाइन किए गए थे और एक ही दिन में 10 माइल का ये जो रेलवे ट्रैक है वो बिछाया गया था। इसीलिए इसको कहते हैं गोल्डन स्पाइक नेशनल पार्क। और ये दो लोकोमोटिव्स थे जो एक दूसरे को कनेक्ट किए गए और अमेरिका का ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट यानी लगभग 5000 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया। पूरा अमेरिका एक दूसरे के साथ जुड़ गया इस जगह पर। अगर आपको चाहिए तो ये हिस्ट्री आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डार्लिंग, लेट्स गो एंड सी दैट। यस, द ब्यूटीफुल लोकोमोटिव्स, आर यू रेडी? यस, लेट्स गो। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। यहां से आता है कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, यहां से आता है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। और ये दो इलाके, ये दो एरियाज इस रेलवे ट्रैक से कनेक्ट हुए थे इस जगह पर। सो आई थिंक यहां पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, May 9th, 1869 को। This was taken one day before the line was completed. Yeah. आज अगर आप ये माउंटेन देखिए यहाँ पे वो सामने रहा, वो माउंटेन ब्यूटीफुल लोकोमोटिव्स। देयर इज अ वे टू गो एंड लुक एट देम फ्रॉम द अदर साइड। लेट्स ट्राई दैट। ये देखिए ये इंजन अंदर से कैसे हुआ करता था। Wow. This is fascinating. बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इसे संभाल के रखा है और ये चालू है, इट्स ऑन। The last tie laid on the completion of the Pacific Railroad, May 1869. Huge. Let's go on this side. Yeah. Very beautiful. तो जी ये है वो गोल्डन स्पाइक्स यानी बड़े बड़े किले जो ज़मीन के अंदर गाड़े जाते हैं और उसकी वजह से रेलवे ट्रैक और उनके वुडन ब्लॉक्स स्ट्रेट रहते हैं और इसीलिए इसका नाम है गोल्डन स्पाइक नेशनल पार्क। और यहाँ पे ये $10 में उसके सुवनीर्स रखे गए हैं। इस अगर ये रेलवे ट्रैक है तो ये ऐसे यहाँ पर गाड़े जाते हैं। इस गोल्डन स्पाइक नेशनल पार्क की एक कड़ी हमारे सैक्रामेंटो यानी घर से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम आपको एक नई वीडियो में जरूर बताएंगे।
जो ये लास्ट सेक्शन है इस ट्रेल रोड का, वो सैक्रामेंटो जहाँ पे हम रहते हैं वहां से लेके ओमाहा नेब्रास्का तक बनाया गया था। जो रेड लाइन है वो ईस्टर्न रेलवे की है, जो ग्रीन लाइन है वो पैसिफिक रेलवे की है, और ये इलाका लगभग 2,500 किलोमीटर्स का, यानी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक इतना बड़ा एरिया है ये। तो जी प्लान तो था आपको सॉल्ट लेक दिखाने का और स्पाइरल जेटी दिखाने का, लेकिन अब तक हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, अभी भी हम गोल्डन स्पाइक नेशनल पार्क में ही है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि कभी कभी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर लोग पूरा टाइम देखते नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर अगले वीडियो में आपको सॉल्ट लेक दिखाते हैं और उसके साथ स्पाइरल जेटी भी, राइट? सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम and we'll meet again. See you at Adventures. See you soon. Bye.